हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और हमारे नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करेंगे डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक ऐसी कंपनी के स्टॉक के बारे में। कंपनी को अभी रिसेंटली 85,000 करोड़ का ऑर्डर मिल चुका है, जिसके चलते FIs और DIs रेगुलर अपने स्टेक्स बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। केवल मात्र 16 रुपये के आसपास से ट्रेड करा। और वैसे भी डिफेंस सेक्टर की अगर बात करते हैं, डिफेंस सेक्टर मेक इन इंडिया के तहत आने वाले समय बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ हमें जरूर देखने को मिल जाएगी। डिफेंस में काफ़ी पैसा स्पेंड कर रही है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जिस सेक्टर में पैसा स्पेंड कर रही है उस सेक्टर में अच्छे रिटर्न आपको जरूर जनरेट होते हुए देखने को मिल जाते हैं। गिरते हुए मार्केट में FIs और DIs खरीदारी भी करते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसके भी चलते अपन समझ सकते हैं कि ये लोग डिफेंस सेक्टर में काफ़ी इंटरेस्ट है, जिसके चलते इनका इंटरेस्ट डिफेंस में है। तो डिफेंस में एक अच्छी खासी ग्रोथ आपको जरूर देखने को मिल जाएगी। और वैसे भी अगर बात करते हैं कंपनी के पी के रिगार्डिंग, ओनली 9 का ही इनका पी रेशियो है। पी रेशियो के हिसाब से देखें तो अंडर वैल्यू, और स्टॉक मार्केट में अंडर वैल्यू को खरीदना और ओवर वैल्यू हो जाने पर बेच कर निकल जाना ही पैसा कमाने का सबसे बढ़िया जरिया भी है। बात कर लेते हैं कुछ डिफेंस के बारे में। डिफेंस इंडिया का अभी भी काफ़ी वीक है, और जैसे जैसे किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए उसका डिफेंस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही जरूरी है। तो गवर्नमेंट काफ़ी फोकस कर रही है कि कैसे भी मेक इन इंडिया के तहत भी काफ़ी स्कीम्स लॉन्च करते हुए भी देखने को मिलेगी। डिफेंस इन फ्यूचर में अच्छे रिटर्न आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। वैसे डिफेंस में काफ़ी कंपनीज वर्क कर रही है, तो अपन उन्हीं 3 कंपनीज के बारे में वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो एक्चुअली में बेटर ऑप्शन हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान करने के लिए। साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि तीनों स्टॉक्स के बेटर ऑप्शन हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान करने के लिए। वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं सिंपली भाषा में। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो कोई सा पार्ट आपका बिल्कुल मिस नहीं होगा। फर्स्ट टाइम चैनल विजिट करें तो सब्सक्राइब करके जरूर सेलेक्ट कर लेना ऑल, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। अब बात कर लेते हैं आज की पहली कंपनी के बारे में। आज की पहली कंपनी के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं कंपनी का बिजनेस। बिजनेस में अगर देखें तो कंपनी डिजाइनिंग पे कामकाज कर रही है, डेवलपिंग पे कामकाज कर रही है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करती हुई देखने को मिल रही है, और कंपनी के साथ में टेस्टिंग भी कर रही है। जो कंपनी इतने जो बड़े बिजनेस करती हुई देखने को मिल रही है, वो डिफेंस एंड द स्पेस सेक्टर के लिए, मतलब डिफेंस एंड स्पेस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट पर कामकाज कर रही है। साथ में इनके सॉल्यूशंस पर भी कामकाज करती हुई देखने को मिल रही है। इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी की जो 4 मेजर सेगमेंट में कंपनी का सबसे ज़्यादा कामकाज होता है देखने को मिल जाता है। सबसे पहले डिफेंस और स्पेस ऑप्टिकल में सबसे ज़्यादा काम हो कंपनी का। इसके अलावा देखें तो डिफेंस जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिफेंस के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होते हैं, उनका भी कंपनी का बिजनेस है। साथ में कंपनी हैवी इंजीनियरिंग पर कामकाज कर रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक प्लस प्रोटेक्शन सॉल्यूशन से भी इसी कंपनी का वर्क होता है देखने को मिला। तो डिफेंस के ये लिए कंपनी काफ़ी वर्क करती हुई देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी चीज देखोगे मतलब यह एक प्राइवेट सेक्टर की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। टोटल मार्केट कैप देखते हो कि स्मॉल कैप कंपनी 4,038 करोड़ का ही मार्केट कैप है। छोटी कंपनियाँ मिड कैप और लार्ज कैप कंपनी से बड़े रिटर्न्स भी आपको जरूर बना के दे सकती है। 9.5 का इनका पी रेशियो है। पी रेशियो के हिसाब से बहुत ही अंडर वैल्यू है। बुक वैल्यू 121 रुपये पर ट्रेड कर रही है। आरओई 10.3 पर ट्रेड कर रहे हैं, और आरओई इनकी 7% पर ट्रेड कर रही है। दोनों ही कंपनी पॉजिटिव है, दोनों ही कंपनी स्ट्रॉन्ग भी देखने को मिल रही है। फैसल इनकी 10 की है। जब भी शेयर स्प्लिट होगा तो फ्री में आपको जरूर बोनस शेयर भी देखने को मिल जाएंगे। प्रोस की अगर बात करें वैसे लगभग ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। पेरिस और कंपेरिजन में कंपनी का सेक्टर देखोगे तो कंपनी एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर से कंपनी बिलोंग कर रही है। इंजीनियरिंग कंपनी इंडस्ट्री देखने को मिल रही है। इनके सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनीज की अगर बात कर लेते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL पहले नंबर पर ट्रेड कर रही है। भारत डायनेमिक्स हो गया, BEML हो गया, MTR टेक्नोलॉजीज हो गया, पारस डिफेंस हो गया, इंडिया जो फोर्ज हो गया, नीब हो गया, सारी कंपनियां इन्हीं के सेक्टर से बिलोंग कर रही है। कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉसेस में कंपनियां ईयरली वाइगर सेल देखोगे रेगुलर बढ़ रहा है। 183 करोड़ से बढ़कर 315 करोड़ हो चुका है। सेल्स बढ़ने की वजह से अपन समझ सकते हैं कंपनी जो कस्टमर या क्लाइंट्स है कंपनी के ऊपर काफ़ी ट्रस्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं, जो कि 52 करोड़ से बढ़कर 72 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। कंपनी नेट प्रॉफिट की अगर बात कर लेते हैं, कंपनी रेगुलर अपने नेट प्रॉफिट बढ़ाती हुई देखने को मिल रही है, जो 27 करोड़ से बढ़ के आज के टाइम पर 42 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। EPS अर्निंग पर शेयर प्राइस 6 रुपये से बढ़ के 9 रुपये और 11.63 रुपये तक पहुंच चुके हैं। कंपनी कंपाउंडेंट सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव है, कंपाउंडेंट प्रॉफिट ग्रोथ ही पॉजिटिव है। कंपाउंडेंट सेल्स ग्रोथ 5 साल की 10% है, 3 साल की 21 है, और लास्ट 12 मंथ की 34% देखने को मिल रही है। वहीं सेल्स ग्रोथ के साथ साथ में इनके प्रॉफिट ग्रोथ ही पॉजिटिव है, जो कि 5 साल की 10% है, 3 साल की 24% है, लास्ट 12 मंथ की 23% देखने को मिल रही है। वहीं स्टॉक प्राइस CAGR रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कंपनी एवरेज पॉजिटिव है। स्टॉक प्राइस CAGR 3 साल की 8% है, लास्ट ईयर की 40% देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑफ इक्विटी पिछले 5 साल के 9% है, 3 साल की 8 और लास्ट ईयर की 7% देखने को मिल रही है। बैलेंस शीट की रिगार्डिंग कंपनी रिजर्व देखोगे तो पॉजिटिव है, जो कि 339 करोड़ से बढ़कर 434 करोड़ हो चुके हैं, और बोरिंग भी इनके पास बहुत कम है। ऑलमोस्ट लगभग कंपनी डेट फ्री कंपनी है। असेट्स की अगर बात कर लेते हैं, कंपनी पास में अच्छे असेट्स है, 458 करोड़ से बढ़कर
693 करोड़ की कंपनी पास में असेट्स भी देखने को मिल रहे हैं। कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न के रिगार्डिंग अगर बात कर लेते हैं, हाई प्रमोटर्स होल्डिंग है, 58.94% शेयर होल्ड करते हैं कंपनी प्रमोटर्स, जो कि काफ़ी लंबे समय से ट्रस्ट करते हुए देखने को मिल रहा है। एफआईएस की होल्डिंग बढ़ रही है 0.83 बढ़कर 3% और 3 से बढ़कर 3.46% हो चुके हैं। एफआईएस रेगुलर अपने स्टेक्स बढ़ा भी रहे हैं। डीएस की होल्डिंग 0.07 से बढ़कर 0.63% और पब्लिक की होल्डिंग ओनली 36% देखने को मिल रही है। पब्लिक में सबसे बड़ी चीज़ ये भी देखोगे तो मुकुल अग्रवाल सर की भी होल्डिंग देखने को मिल रही है, जो कि आप चाहो तो कवर कर सकते हैं। इसके अलावा बाड़ियो इंजीनियरिंग की अमित महाजन की है, शिल्पा महाजन की है, और इसके अलावा जया चंद्रकांत गौरी की भी होल्डिंग देखने को मिल रही है। जिस कंपनी के बारे में बात करें और जो कि आज की पहली कंपनी है वो है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। जरूर चाहो तो चेकआउट करके चल सकते हैं। 1000 रुपये के आसपास से ट्रेड करा, 5 साल में 108% रिटर्न, और ये कंपनी 2021 में मार्केट में लिस्ट हुई थी, और आज के टाइम पर देखो तो 2021 से लेकर अब तक 104% का एक मल्टीपल रिटर्न इन्होंने बना के दिया। टॉप लिस्ट स्टॉक्स में काफ़ी करेक्शन देखने को मिल रहे हैं, बड़े डिस्काउंट पर अवेलेबल है। वहीं अभी रिसेंट में देखो जाए तो इस खबर को यहाँ भी कवर कर सकते हैं। DSIJ आर्टिकल के मुताबिक DISS बोट 219,405 शेयर्स और FIS बोट्स 192,485 शेयर्स, जिसके चलते स्टॉक्स में एक अच्छी ग्रोथ भी आपको देखने को मिली थी। अभी रिसेंटली में कंपनी को 142 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ देखने को मिला है। बात कर लेते हैं आज की सेकंड नंबर की कंपनी के बारे में। आज की सेकंड नंबर की कंपनी रेलवे सेक्टर से बिलोंग कर रही है, जो कि रेलवे के लिए जो रेल इंफ्रा प्रोजेक्ट पे कामकाज करते हुए देखने को मिले। रेलवे सेक्टर भी इन फ्यूचर में बड़े रिटर्न्स जरूर दे सकते हैं। डबलिंग गेज कन्वर्जेशंस जो न्यू लाइंस होती है रेलवे के लिए वो भी कंपनी बिजनेस कर रही है। साथ में रेलवे के लिए जो इलेक्ट्रिफिकेशन का कारोबार, मेजर जो ब्रिज होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, प्रोडक्शन यूनिट होते हैं, फ्राइट रेवेन्यू रेलवे के लिए काफ़ी वर्क करते हुए देखने को मिल रही है। और एक तरह से देखे जाए तो ये कंपनी 93,914 करोड़ का मार्केट कैप, एक लार्ज कैप कंपनी है। इतनी बड़ी कंपनी कहीं जाएगी? 440 रुपये पर शेयर ट्रेड करा है। अभी रिसेंटली अपने 52 हाई से काफ़ी डाउन में ट्रेड करता हुआ अभी देखने को मिल रहा है। 71 का इनका पी रेशियो है, पी रेशियो के हिसाब से कोई महंगा नहीं है। 38 रुपये के आसपास बुक वैल्यू, 0.46% कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। ROC इनकी स्ट्रॉन्ग है, 18.7% पे ट्रेड कर रही है। ROE भी इनकी स्ट्रॉन्ग है, 20.4% पे ट्रेड कर रही है। फेस वैल्यू इनकी 10 की है। जब भी सर स्प्लिट होगा तो फिर में आपको जरूर यहाँ बोनस शेयर भी देखने को मिल जाएंगे। कंपनी सेक्टर की अगर बात करें तो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स एंड ऑपरेटर सेक्टर से बिलोंग कर रही है। इंडस्ट्री कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी इंडस्ट्री देखने को मिल रही है। इनके सेक्टर में रेल विकास, IRU इंफ्रा, ये सारे IR कौन GR इंफ्रा प्रोजेक्ट जैसी कंपनी इनके सेक्टर से बिलोंग कर रही है। कंपनी प्रॉफिट एंड लॉसेज में कंपनी ईयरली अगर सेल देखोगे तो लास्ट का भी 20,310 करोड़ का है, और वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो 11,150 करोड़ का है। कंपनी नेट प्रॉफिट 1,280 करोड़ के हैं, और वहीं अगर बात करें EPS 6 रुपये का है। कंपनी डिविडेंड 35% 30% का डिविडेंड भी दिया है। कंपाउंडेंट सेल्स को 10 साल की 24% है, 5 साल की 17% है, 3 साल की 12 और लास्ट 12 मंथ की नेगेटिव 4% है। सेल्स ग्रोथ के साथ साथ उनका प्रॉफिट ग्रोथ ही पॉजिटिव है, जो कि 10 साल की 25% है, 5 साल की 20% है, 3 साल की 16 और लास्ट 12 मंथ की नेगेटिव 8% देखने को मिल रही है। स्टॉक प्राइस CAGR रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कंपनी एवरेज पॉजिटिव। स्टॉक प्राइस CAGR 5 साल की देखोगे तो 77% है, 3 साल के 119% है, लास्ट ईयर के 152% है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 10 साल की 18% है, 5 साल की 20% है, 3 साल की 21% है और लास्ट ईयर की 20% देखने को मिल रही है। बैलेंस शीट की रिगार्डिंग कंपनी पास में अच्छे रिजर्व है, और रिजर्व कंपनी बढ़ा भी रही है। 4,394 करोड़ से बढ़ के 5,862 करोड़ हो चुके हैं। बोरिंग भी इनके पास में कुछ है, बट कंपनी पास में असेट्स भी देखने को मिल जाएंगे। 17,581 करोड़ से बढ़ के आज के टाइम पर 19,500 करोड़ के लगभग कंपनी पास में असेट्स भी देखने को मिल रहे हैं। कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न की रिगार्डिंग देखोगे तो हाई प्रमोटर्स होल्डिंग है, 72.84% शेयर होल्ड करते हैं कंपनी प्रमोटर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। FIS के स्टेक्स भी रेगुलर बढ़ रहे हैं, 2.32 से बढ़ के 3.13% है, 3.13 से भी बढ़ के 5% से ज़्यादा हो चुके हैं। और DS की स्टॉक्स भी देखोगे तो 6.33% है। पब्लिक के पास में 15% है, जो कि पब्लिक की होल्डिंग रेगुलर कम हो रही है, और पब्लिक की होल्डिंग अगर रेगुलर कम होती है उन स्टॉक्स में इन फ्यूचर में अच्छे रिटर्न जरूर जनरेट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो जरूर चाहो तो आप इसकी भी स्टडी करके चल सकते हैं। जिस कंपनी के बारे में बात करें उस कंपनी का नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL, जो रेलवे सेक्टर से बिलोंग कर रही है। 441 रुपये के आसपास से ट्रेड कर रहा है, 5 साल में 1744% के रिटर्न्स बना के दिए हैं, और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी 5.5% के लगभग एक अच्छा सर्किट हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी को हाल ही में देखे जाए तो 834 करोड़ की कंपनी के पास में अभी रिसेंट में ऑर्डर मिला है, और इनके पास में पहले से भी कंपनी के पास में बहुत ही बड़े ऑर्डर बुक भी ऑलरेडी हैं, तो जरूर चाहो तो चेकआउट करके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट कंपनी के बारे में। 16 रुपये के आसपास से ट्रेड कर रहा है, वो 1319% का पिछले 5 साल में एक मल्टीबैग रिटर्न्स इन्होंने अपने निवेशकों को बना के भी दिया है।
बात कर लेते कंपनी बिजनेस के बारे में। तो इस कंपनी का जो बिजनेस देखो, कंपनी कोल माइनिंग, सैंड माइनिंग, सीमेंट ग्राइंडिंग, इसके अलावा थर्मल एंड हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिसिटी पे कामकाज करते हुए देखने को मिल रही है। 11,205 करोड़ का मार्केट कैप है। इक्वली देखे तो एक स्मॉल कैप कंपनी 16 का इनका अभी रिसेंटली करंट प्राइस है। 24 रुपये 52 हाई रहा और 52 हाई से गिर के अभी 16 रुपये ही ट्रेड कर रहा है। पी के रिगार्डिंग अभी अंडर वैल्यू है। बुक वैल्यू 17 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है और आरओसी और आरओई दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग भी है। आरओसी 14% पर ट्रेड कर रही है और आरओई इनकी 12.8% पर ट्रेड कर रही है। पेयर्स उनकी 10 की है। जब भी शेयर डिस्पुटी होगा तो जरूर यहां आपको बोनस शेयर भी देखने को मिल जाएंगे। पीयर्स और कंपेयर में कंपनी सेक्टर है, पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूट सेक्टर से कंपनी बिलोंग कर रही है और पावर जनरेशन एंड सप्लाई कंपनी इंडस्ट्री देखने को मिल रही है। इनके सेक्टर में NTPC पावर ग्रिड, अडानी पावर, अडानी ग्रीन, टाटा पावर, JSW एनर्जी, NTPC ग्रीन, JP पावर जैसी कंपनियां इनके सेक्टर से बिलोंग कर रही है। प्रॉफिट एंड लॉसेज में कंपनियां जो ईयरली वाइज सेल देखो 5700 करोड़ से बढ़कर 6600 करोड़ हो चुका है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1100 करोड़ से बढ़कर 2400 करोड़ तक हो चुका है। सेल्स बढ़ रहा है साथ में कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट देखोगी 55 करोड़ से बढ़ के 1293 करोड़ तक हो चुके हैं। रेगुलर बढ़ रहे हैं और EPS भी देखोगे 0.08 पैसे से बढ़ के आज के टाइम पर 2 रुपये के लगभग पहुँच चुका है। कंपनी कंपाउंडेंट सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव है, 10 साल की 9% है, 5 साल की 12% है, 3 साल की 27 और लास्ट 12 मंथ की 19% देखने को मिल रही है। प्रॉफिट ग्रोथ के साथ साथ देखो तो इनके प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल की 46% है, 5 साल की 40, 3 साल की 98 और लास्ट 12 मंथ की 3121% देखने को मिल रही है। स्टॉक प्राइस 6000 रिटर्न ऑफ इक्विटी कंपनी एवरेज पॉजिटिव है। स्टॉक प्राइस 6000 10 साल की 2% है, 5 साल की 71% है, 3 साल की 51 और लास्ट ईयर की 17% देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑफ इक्विटी पिछले 10 साल की -3% है, 5 साल 3 साल की 5% है और लास्ट ईयर की 13% देखने को मिल रही है। बैलेंस शीट की रिगार्डिंग कंपनी के पास में एक अच्छे रिजर्व है, 5145 करोड़ के रिजर्व है जो कि 3500 से बढ़कर 5100 करोड़ हो चुके हैं और कंपनी के पास में बोरिंग जो कर्जा है कंपनी ने कम किया। इक्वल कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी बन जाएगी। टोटल असेट्स देखो तो कंपनी के पास 17648 करोड़ की कंपनी के पास में अच्छे असेट्स भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की रिगार्डिंग अगर बात करें तो परमोटर्स की होल्डिंग 24% है, FS की होल्डिंग यहाँ बढ़ रही है 6% से बढ़कर 7.7 से 7.8 हो चुकी है और हाई DIS की होल्डिंग है 18.29%, DIS की होल्डिंग 18.18 से बढ़कर 18.29% हो चुकी है और पब्लिक की होल्डिंग यहाँ 49% देखने को मिल रही है। पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी कम हो रही है, जिसके चलते अपन समझ सकते हैं कि आने वाले सेमी स्टॉक्स में एक अच्छी ग्रोथ आपको जरूर देखने को मिल सकती है। जरूर चाहो तो आप इसकी भी स्टडी करके चल सकते हैं। और जिस कंपनी के बारे में अपन बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड, JP पावर, जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड। 5 साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, 1322% का रिटर्न इन्होंने अपने निवेशकों को बना के दिया। वहीं अगर बात करते हैं इनके ऑल टाइम रिटर्न में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। वीडियो में कुल 3 स्टॉक के बारे में बात की, तीनों स्टॉक के बारे में सारी चीज़ें वीडियो में कवर करने की कोशिश की सिंपली भाषा में। तो आई होप वीडियो आपको जरूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय भारत, जय हिंद।